नमस्कार, आज के समसामयिकी में आपका स्वागत है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देश दुनिया में घटित होने वाले महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप तत्काल डाउनलोड करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐप में सुरक्षित हालत का संकेत मिलने पर ही कर्मचारी काम पर जाएं। अभिनेता इरफान खान का दिनांक 29 अप्रैल को निधन हो गया। अगले दिन 30 अप्रैल को जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का भी असमय निधन हो गया। विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तिरुमूर्ति अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित 5 प्रमुख देशों के ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आपसी सहयोग को और अधिक गहरा बनाने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का एक प्रभावशाली समूह है, जो 3.6 अरब लोगों का प्रतिनिधि करता है। इस बैठक का आयोजन वर्तमान अध्यक्ष रूस के नेतृत्व में किया गया। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। मनरेगा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया गया। केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कार्यों में लगे हैं। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर है। तो यह था अब तक की अद्यतन जानकारी। अब बारी है इस विषय से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो इस विषय से निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, कोरोना महामारी के संदर्भ में कार्मिक मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को किस ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर है आरोग्य सेतु ऐप। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थाई प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है टीएस तिरुमूर्ति। प्रश्न संख्या 3, ब्रिक्स कितने देशों का समूह है? सही उत्तर है ब्रिक्स 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का समूह है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्य की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ समसामयिकी का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।